हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोनू कंपटीशन क्लासेस पे। आज मैं भारत के भूगोल के टॉपिक भारत एक परिचय पे कुछ एमसीक्यू के द्वारा कुछ क्वेश्चन हल करवाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का देशांतरी विस्तार है कि भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 68°7' से लेकर 97°25' तक है, यानी पूर्व में। और देशांतरी विस्तार तो ये है, और अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार है 8°4' उत्तरी अक्षांश से लेकर 37°6' उत्तरी अक्षांश तक है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, कि ना भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 6°4' उत्तरी अक्षांश से 37°6' उत्तरी अक्षांश तक है। और वैसे तो भारत की मुख्य भूमि भूमि का विस्तार कितना है, 8°4' उत्तरी अक्षांश से 37°6' उत्तरी अक्षांश तक है। लेकिन अगर इसमें हम द्वीपों को भी शामिल कर लें, तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, 6°4' उत्तरी अक्षांश से 37°6' उत्तरी अक्षांश तक होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 7वां स्थान है। इसके अलावा 6 देश और है जो बड़े हैं, कौन कौन से हैं। पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है चीन, पांचवा है ब्राजील और छठा है ऑस्ट्रेलिया। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है, कि भारत विश्व में जो भूमि है उसका क्षेत्रफल कितना है भारत का। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 2.4% है, यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 3200 किलोमीटर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच की दूरी अनुमानित बताइए, तो इसमें क्या होगा, 2933 किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। और ये कहां पर है,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और इसका पूर्व नाम क्या है? इसका पूर्व नाम है लाइचिंग पित्र मेलियन पॉइंट पार्सन पॉइंट है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है, कि भारतीय संघ का जो सुदूर है यानी कि दक्षिणतम बिंदु है वह कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी। खाड़ी में है। और ये भारतीय संघ जो सुदूर है उसका दक्षिणतम बिंदु वैसे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, लेकिन इसकी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी में। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, निकोबार द्वीप समूह है। निकोबार द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक कैसे प्रदेश है? संघ शासित प्रदेश है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केप कोमोरिन है। और केप कोमोरिन कहाँ पर है? तमिलनाडु वे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भारत और श्रीलंका है। पाक जल डमरू मध्य को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पाक जल संधि, इस नाम से इसे जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक स्ट्रेट पाक जल डमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, तमिलनाडु से है। तमिलनाडु से है। और ये कहाँ पर स्थित है, किसके मध्य स्थित है? मन्नार वे बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डनकन पास किसके मध्य स्थित है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच है। जो ये क्या है, डक्कन पासेज है, वे एक दक्षिण छोटे दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच बीच एक क्या है, जल संयोजी है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं?
कि किससे पृथक हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल से हुए। 10 डिग्री चैनल क्या करता है, जो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है इनको अलग करता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 8,848 मीटर है, और ये कहाँ पर है वर्तमान में, नेपाल में। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 23 की घात 1 डिग्री बट्टा 2 उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कि कौन सी रेखा है, करक रेखा है, जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आए और अच्छे लगे तो आप हमें कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको अगर हमारे इन एमसीक्यू के क्वेश्चन में कोई भी डाउट या कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।